नमस्कार मित्रों, मैं हूं एमएस योगी और आप देख रहे हैं एमएस वल्लभवर चैनल। आज समझेंगे हम थोड़े से मैथ के टॉपिक के बारे में, जो है भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। दोस्तों, फ्रैक्शन ऐसी संख्याएं होती है जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। कैसे? पी बटे क्यू के रूप में। इसमें पी अंश होता है और क्यू हर होता है। इसमें Q = 0 होना चाहिए। ये हमारी क्या हो जाएगी? कोई भी एक फ्रैक्शन होगी। सामान्यतः मैं फ्रैक्शन को तीन भागों में बांट रहा हूं। नंबर एक होती है हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर दो होती है हमारी अनुचित भिन्न। और अनुचित जो भिन्न होगी हमारी, वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर तीन होती है हमारी मिश्र भिन्न। कौन सी? मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न को कहते हैं हम कंपाउंड फ्रैक्शन। नंबर एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न कैसी भिन्न होगी? ऐसी भिन्न जिसका मान एक से कम हो, वो हमारी कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। उचित भिन्न में हम एक दो उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, तो ऐसी भिन्न जिसमें ऊपर का मान ज्यादा होना चाहिए। उचित भिन्न में ऊपर का मान कम होगा, जैसे 4/6। ऊपर वाली संख्या आपकी हमेशा छोटी मिलेगी, नीचे वाली संख्या आपकी हमेशा क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। यानी इसका मान हो जाएगा, जैसे 4 में भाग जाएगा नहीं तो 0.40, 0.6, 0.6। अब ये मान कैसा है? 1 से कम है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। नंबर दो होती है हमारी अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न होती है हमारी, अनुचित भिन्न में हम कह सकते हैं कि जिसका मान एक से अधिक हो। अनुचित भिन्न जिसका मान एक या एक से अधिक हो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे इसमें ऊपर का मान हमेशा बड़ा होगा, जैसे 8/4 लिख दें, इसका मान हो जाएगा हमारा 2। लिख दिया मैंने 15/5 लिख दिया, 15/4 लिख दिया, 8/3 लिख दिया। ये सभी मान कैसे होते हैं? अनुचित भिन्न के हैं। यानी ऐसी भिन्न जिसमें जिसका मान एक या एक से क्या होता है? हमेशा कम होता है, एक या एक से अधिक होता है, और वह अनुचित भिन्न कहलाती है। इसमें ऊपर वाला जो अंश होगा हमेशा सबसे बड़ा होगा और हर इसमें छोटा पाया जाता है। नंबर तीन है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको कहेंगे? मिश्र भिन्न कहते हैं अनुचित भिन्न का। ये जो हमारी भिन्न है, अनुचित भिन्न का सरलतम रूप क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। देखो, उदाहरण से समझेंगे इसको, कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखे। अनुचित भिन्न में मैंने क्या बताया अभी, कि मान ऊपर का बड़ा होगा, यानी अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे मैंने लिखा है 15/4। अब इसका सरलतम रूप कैसे निकाल सकते हैं? कि 4 / 12 = 3/4। 3 सही 3/4 कैसी हो जाएगी? हमारी मिश्र भिन्न हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मिश्र भिन्न हो जाएगी। देखिए, भिन्नों की तुलना किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कि मैं कुछ उदाहरणों से आपको बताऊं कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा है 15/4, 15/7,
15/18, 15/8, 15/9। अब देखिए कि भिन्नों की तुलना, अगर हमें क्या दिया जाए, कोई भी भिन्न दी गई है और भिन्नों में यदि हमारे अंश समान हो, क्या हो, अंश समान हो, यदि दी गई भिन्नों में अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है, देखो अंश क्या हो, अंश समान हो, समान हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है, हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है, छोटी होती है। अब देखिए, जैसे अब इसमें यहां दे देता हूं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको, असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में लिखना था इसको, इसमें आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम में लिखने के लिए मैंने क्या होता है, अंश जब समान दे रखे हो तो अंश समान है, तो वह भिन्न जिसका जिसका हर सबसे बड़ा होगा, हर सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न, अब सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा है, तो यहां देखिए 15/18 से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब देखिए इसमें 15/9, तो लिख दिया मैंने 15/9, 15/9 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 15/8, 15/8, 15/8 से बड़ी कौन हो जाएगी, 15/7, और 15/7 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 15/4। ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि जब हमें अंश समान दे रखे हो, जब कोई भिन्न में अंश समान दे रखे हो और हर जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है, वो भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है, जब क्या हो जाएगी, भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। अगला देखिए, तब जो मेथड है हमारा अगला प्रकार कैसे करेंगे हम, कि जब जैसे एग्जांपल लिखे कि जब हमें कोई भिन्न दे रखी हो, जैसे 8/23, 9/24, 9/23, 17/23, 20/23, 18/23 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी आरोही क्रम में अगर लिखने के लिए कहता है। सीधा सा एक उदाहरण दिया है आपको, अब आपको देखना है कि इसमें क्या दे रखा है, कि जब कोई भिन्न दे रखी है और जिसमें हर समान दे रखे हो, क्या दे रखे हो, हर समान दे रखे हो, तो जो अंश सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा, वो भिन्न भी क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो भिन्न सबसे छोटी है, यानी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, मैं एक बार लिख दूं आपको, कि अगर कोई भिन्न में, अगर कोई भिन्न में हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न भी सबसे छोटी होती है। जैसे अब इसको आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, कि अब देखिए आप, हर हमारे प्रत्येक समान है, अब जो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसमें अंश सबसे छोटा होगा, वो भिन्न भी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे पहले 8 ही सबसे छोटा है, तो लिख देंगे हम 8/23, 8/23 छोटी है, इससे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी। अब देखिए 9 है, 9 से बाद में कोई बड़ी नहीं है ना, तो 9/23, उसके बाद में कौन सी हो जाएगी, 17/18 में से कौन सी छोटी है, 17/23 लिख देंगे,
17/23, उसके बाद में 18/23, और उसके बाद में लिखेंगे 20/23। 20/23 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप नोटिफिकेशन का चिन्ह दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, और अब आगे लगातार हम ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।